वास्को डा गामा ने 1498, टू बी प्रिसाइज 20 मई 1498 को आपका कैलिकट में आए थे हिंदू राजा जमोरिन के दरबार में, और उसके बाद फिर पोर्टुगीज का आगमन शुरू हो जाता है। तो वो पहले वास्को डा गामा आते हैं, फिर 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं जो कि फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर रहते हैं, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया था। अब ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या? कंट्रोलिंग इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के ऊपर कंट्रोल करना था, ठीक है। अब ये तीन आते हैं बेसिकली जो आप देख रहे हैं अगले चचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चचा है। ये कौन है? 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने 1510 में गोवा को छीन लिया था किससे? यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर से, और इन्हें रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पहला पोर्टुगीज फोर्ट बनाया था 1503 में, ठीक है, कोचिन में। तो और यही वो व्यक्ति थे जो बोलते थे कि यहाँ पे लोकल इंडियन वाइफ्स लोग इंडियन लड़कियों से शादी करने को एनकरेज करते थे। और फिर तीसरे आ जाते हैं नैनो डे कुन्हा, इनका ज्यादा नाम नहीं आता है, कैप्चर्ड दमन एंड दीव फ्रॉम गुजरात। ये चचा बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि भाई याद कैसे करेंगे, ये कौन कब आया। तो फिर क्या? फैन, याद रखिए, फैन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नैनो डे कुन्हा, FAN, ठीक।